अरे भाई मूंगफली तो बहुत खा ली और छिलके भी काफी जमा हो गए, अब वक्त है इन छिलकों से कुछ करने का। नमस्कार, मैं हूं सबत और आज एक और नया मेहमान हमने हमारे साथ जोड़ा है। आज मेरे साथ मेरा दोस्त प्रथम। तो आज हम लोग आपको मिलकर बताने वाले हैं कि मूंगफली के छिलकों से आप कैसे खाद बना सकते हैं। भाई आप जानते हैं क्या कि मूंगफली के छिलकों में तो कार्बन होता है और कार्बन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक करने में बहुत अच्छा काम आता है और इससे हमें कंपोस्ट खाद मिलती है। ये देखिए, हम यहाँ पर मूंगफली के छिलकों को थोड़ा सा कुचल कर डाल रहे हैं। इस तरह से आप पौधे के चारों ओर डाल सकते हैं। और मैंने देखा कि मेरा दोस्त मूंगफली खा रहा था और उनके छिलकों को नाली व सड़क पर फेंकता जा रहा था। अच्छा, इसलिए मैंने उससे जाके बोला, भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, इससे तो हम अच्छी खाद बना सकते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने उसको बताया कि अगर तुम इन छिलकों को सड़क पे फेंकोगे तो उससे स्वच्छता का भी अपमान होगा, हमारा देश गंदा हो जाएगा, इसलिए तुम इससे अपने पौधों को और अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है, हमारे देश गंदा होने से बच रहा है और पौधे उग रहे हैं तो वातावरण भी शुद्ध हो रहा है, तो भाई एक पल दो काज हो जाए तो फिर क्या बुरा है। आई होप आज आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको स्वच्छता का भी बहुत अच्छा संदेश दिया है और बताया है कि किस तरह से आप अपने पौधों को एक अच्छी खाद दे सकते हैं। आगे भी हम ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज लाते रहेंगे, जब तक भी हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी भेजें, ताकि हम आपके और शेयर करिए, बिल्कुल ना भूलें, अपने अच्छे वीडियोस आगे बना सकें।